करेंगे न्यू स्कैंड्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 8.1 टाइम हमारा ये टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस नाउ की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, तो हम कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस नाउ 1 एंड 2। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अ शिप लेफ्ट पोर्ट एक्स एट 22:45, ठीक है। ये हमारे पास 24 आवर वाली क्लॉक रखी हुई है। अगर हम वैसे देखें तो ये रात के 10:45 बनते हैं और दिन है फ्राइडे का, ठीक है। अराइव करती है वो पोर्ट वाई पर तकरीबन 7 घंटे और 1/4 घंटा उसको लगा। तो 1/4 का मतलब ये होता है कि एक अगर आप देखें यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कि एक पूरे घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और अगर उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो 15 मिनट का 1/4 बनता है, ठीक है। तो ये तकरीबन जो 1/4 है ना, ये इक्वल टू 15 मिनट्स है, ठीक है। तो तकरीबन 7 घंटे 15 मिनट में वो पोर्ट वाई पर पहुंची है, यहां पर पोर्ट वाई पर पहुंच गई है, यानी उसने टोटल 7 घंटे 15 मिनट का टाइम ले लिया है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम एंड डे डिड द शिप अराइव एट पोर्ट वाई। तो हम यहां 10:45 पर निकली, 10:45 पर, और 1 घंटा 15 मिनट में वो तकरीबन 12 बज चुके थे, ठीक है। यानी 22:45 से लेकर 24 तक 1 घंटा 15 मिनट बनते हैं। आप ये 1 घंटा 15 मिनट जब तक के नया दिन शुरू नहीं होता, ये अभी 22:45 से 24 तक हमारा फ्राइडे चल रहा है, ठीक है। यानी रात 10:30 से 10:45 से 12 बजे तक हमारा फ्राइडे कंसीडर होगा, और जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद 1 मिनट के बाद ही सैटरडे कंसीडर होगा। तो हम सैटरडे से पहले पहले का टाइम पहले काउंट कर लेते हैं। तो 22:45 से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा 15 मिनट बनते, तो हम इसमें से 7 घंटे 15 मिनट में से 1 घंटा 15 मिनट निकालें तो 6 घंटे बचते हैं हमारे पास, सही है। अब सैटरडे से आगे हमने 6 घंटे काउंट करने हैं, ठीक है। ये 1 AM 2 3 4 5 एंड 6 AM, तो अब दिन है सैटरडे और टाइम है 6 AM। तो उन्होंने आपसे यही पूछा था एट व्हाट टाइम, तो टाइम है 6 AM और सैटरडे का दिन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस नाउ 2 के ऊपर। ये भी सवाल बहुत आसान सा है। बस लेफ्ट सिटी पी एट 10:45, अगेन 22:45 की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 12 आवर वाली उन्होंने क्लॉक इस्तेमाल की है। एंड अराइव सिटी क्यू एट 23:11, यानी 11:11 पर ऑन द सेम डे, और सेम डे में ही ये ट्रैवलिंग हो रही है सारी। हाउ लॉन्ग वॉज द बस जर्नी। अब ये आप याद रखें कि दिस वॉज यकीनन होगा AM, ठीक है। सुबह के 10:45 निकली है और रात के 11:11 पर पहुंची है। तो हम यहां पर सिटी पी को कर लेते हैं ये पॉइंट और क्यू पॉइंट यहां बनाते हैं। तो पहले हम यूं करेंगे कि हम इसको 12 बजे तक ले जाएंगे, ठीक है, ताकि ये 12 बजे तक पहुंच जाए। 10:45 से 12 के दरमियान हमारे पास ये कितना टाइम बन रहा है, तो 10:45 या 11 के दरमियान आप देख लो, ठीक है। इसके दरमियान हमारे पास तकरीबन 15 मिनट बनते हैं, ठीक। 10:45 के अंदर 15 मिनट डालने पर 11 बज जाएंगे, ठीक है, ये 11 बज जाएंगे। अब 11 बजे के बाद से आप एक एक घंटा काउंट करना शुरू हम कर देंगे यहां से, ठीक है। ये 15 मिनट हमने अलग कर लिए हैं इसमें से, ठीक है, और अब हम आगे घंटे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये है 12, ठीक है। अब ये वाले 11 मिनट जो है ना, इनको भी आप सेफ रखें, इन इस 15 मिनट को, इस 11 मिनट को, और ये जो 12 घंटे हमने गिने यहां से यहां तक, ठीक है, आपकी सिटी क्यू तक, वो भी हमने ऐड कर देने हैं। तो अब 15 मिनट और 11 मिनट हो गए 26, और 12 घंटे 26 मिनट तकरीबन उसको लगे हैं सेम डे में जर्नी करने को, बस को एक सिटी पी से लेकर क्यू तक आने में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप बस जो मिनट्स होते हैं ना, मिनट्स को अलग रखें, आवर्स को अलग से काउंट किया करें, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ रखा हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रैवल 16.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। यानी हमें दोनों यूनिट्स के अंदर, किलोमीटर में भी और मीटर में भी, और जो टाइम का हमारा यूनिट है आवर और सेकंड दोनों में बताना है। और हमारे पास जो गिवन डाटा है वो 16.8 किलोमीटर और 25 मिनट्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने इसलिए पहले सॉल्व करके रखा था क्योंकि बेटा अगर मैं ड्यूरिंग द वीडियो इसको सॉल्व करती तो मेरा जो मोबाइल है काफी शेक करता है, ठीक है, और फिर इस वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले से डन करके आपके लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हम टाइम को जो है कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें कि स्पीड जो आपकी ट्रेन की है वो कैसे वो डिस्टेंस को कवर करती है।
जाती है। आप देखें स्पीड का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आप डिस्टेंस को हमेशा ऊपर रखते हो और डिवाइड करते हो टाइम टेकन बाय द व्हीकल, ठीक है, वो बस है, ट्रेन है, कार है, जो भी, और स्पीड इससे आपकी फाइंड आउट होती है। तो ये इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, आपको कोई भी वैल्यू आ जाती है इसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने फॉलो करना है अपने ये जो फेरी वाला आपके पास पहले से एक सोल्यूशन रखा हुआ है ना, इसी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ देखें उन्होंने 20 जो है वो स्पीड के हिसाब से बताया हुआ है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना है वो उन्होंने ऊपर रख लिया है और टाइम जो टेकन था वो नीचे रख लिया था। इसी तरह हम भी इसी को फॉलो करते हुए जाएंगे, हमारे पास 25 मिनट्स हैं, ठीक है, और एक घंटे में 25 मिनट्स के हिसाब से हम इसको ऐसे यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये है हमारे डिस्टेंस, हमने यहाँ टाइम रख लिया, ये है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, यहाँ से तैयार हो गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको इस तरह डिवीजन में करने की बजाय इस तरह आमने सामने रख रहे हैं, ठीक है। 16.8 को यहाँ रखेंगे, डिवाइड का साइन लगाकर 25/60 यहाँ लिख देंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें इस डिवीजन के साइन को चेंज करना पड़ेगा विद मल्टीप्लिकेशन साइन, और जैसे ही हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन, हमें रेसिप्रोकल के तौर पर इसको स्वैप करवाना होगा नेक्स्ट फ्रैक्शन को। ये बच्चे आप सब लोग क्लास 6 के अंदर बड़े अच्छे से सीख कर आए हुए हो। हमने यहाँ पर जब रेसिप्रोकल करवाया, ये साइन मैंने चेंज किया, 60 को मैं ऊपर ले गई, 25 को नीचे लिया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 25 और 60 को पहले मैंने 5 के टेबल से काटा, यानी 5 5 25 और 5 12 60, ठीक है। अब फिर मैंने इस 5 से 16.8 को काटा तो मेरे पास आए 3.36। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर टू डिवाइड दीज वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास यहां सिर्फ 1 था, अब मेरे आमने सामने की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहां रखकर, तो मेरे पास किलोमीटर पर आर के हिसाब से जो है निकल आया, इसकी स्पीड निकल आई, यानी 40 मिनट और 32 सेकेंड 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रैवल कर रहा है, ये 40 किलोमीटर 32 मीटर के पर आवर के हिसाब से। अब आगे चलते हैं पार्ट टू की तरफ, 16.8 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे विद यूनिट मीटर, बिकॉज वो आपसे कह रहे हैं कि हमें मीटर पर सेकंड में भी छोटे यूनिट में भी बताएं। अभी हमने किलोमीटर पर आर के हिसाब से बताया, अब हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से बताएंगे। तो हमारे पास जो 16.8 किलोमीटर रखा है, इसके यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 16.8 विद 1000 एंड गेट 16,800 मीटर्स। अब यहां पर हमने 25 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे कि हमने डिस्टेंस को किया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स, तो हमारे पास ये 1500 सेकेंड्स निकल आए हैं। अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ऊपर रखा हमने डिस्टेंस और यहाँ टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा बनता है 16,800 और टाइम हमारे पास है 1500 सेकंड, जीरो को जीरो से काटें, 168 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आप मैन्युअली इस तरह करके 168 अंदर रख लीजिएगा और 15 बाहर रखकर करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा आंसर। और यहां मैं करके भी दिखा देती हूँ, 15 1s 15, ठीक है, 1 और 8, अगेन 15 1s 15 यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाएंगे आप तो यहाँ पर आप 0 लगा सकोगे इसके नीचे, ठीक है, और 15 2s 30 होता है तो हमारे ये कम्प्लीटली कट हो जाएगा, तो 11.2 मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर, तो हम लिख देंगे 11.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ इसकी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 हमारे पास है और वो यहाँ कह रहे हैं कि अ कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन 12 मिनट 30 सेकेंड, गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। अगेन हमें इसको यूनिट्स को चेंज करना है, मीटर्स में लेकर जाना है, तो हम पहले ही कर लेते हैं 55 किलोमीटर और टाइम को भी, दोनों को हम छोटे यूनिट्स के अंदर ले जाते हैं, इसको मीटर्स में, इसको सेकंड्स के अंदर। 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 55 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 55,000, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि हम सेकंड्स निकाल सकें, ठीक है। तो हमारे पास 3600 सेकंड्स आ गए, 0 0 से कट गया, फिर 2 का टेबल यूज किया, 2 1s 2, 2 8s 16, 2 2s 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3
नहीं सॉरी, 2 2 4 1 आ गया, 15 था ये, 7 14 हो गया, यहाँ 1 आया तो ये 10 बन गया, 2 5 10 तो ये कम्प्लीटली कट हो गया। 275 और 18 को आप मैनुअली जाकर काटें तो आप बड़े आराम से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी इस तरह करके 275 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर निकल आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर। और कुछ बच्चों के पास अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास इस तरह करके आंसर आ सकता है 2 7 7 7 7 7 8, ठीक है। तो अगर इसको आप इस तरह करके लिखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, कैलकुलेटर में दोनों आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये हमने अभी निकाल लिया मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन जो टाइम टेकन था हमारे पास वो था 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना, जो डिस्टेंस हमने बताना है कितना ट्रैवल किया इतने मिनट के अंदर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 12 मिनट हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और ये वैसे ही 30 सेकंड यूनिट था तो इसको सिर्फ हमें चेंज करना है मिनट वाले को सेकंड्स में करना है। तो ये जब हमने किया तो जो भी हमारे पास आंसर आया 12 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30 किया तो 750 सेकंड आ गया, ये आप कैलकुलेटर पे खुद कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने तरीका आपको बता दिया। डिस्टेंस आगे है, अगेन हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे मल्टीप्लाई बाय इन सेकंड्स के साथ करवाएंगे, ठीक है, और हमारे पास तकरीबन 11,458 1/3 meters निकले हैं जो कि डिस्टेंस के तौर पर हैं। उम्मीद करती हूँ इसकी भी आपको अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ है, अ कार एंड अ बस आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक कार है एक बस है एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, नज़दीक आ रही है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही हैं। दे आर 510 किलोमीटर अपार्ट एट 13:20, तकरीबन 1:20 पर दोपहर के वो एक दूसरे से तकरीबन 510 किलोमीटर दूर थी। एंड दे पास ईच अदर एट 16:20 और तकरीबन 4:20 पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गई, जैसे एक रोड ये है एक ये रोड ये है, ठीक है, कार यहाँ से आ रही थी और बस यहाँ से आ रही थी, ठीक है, इस जगह पर पहुंची तो उस वक्त 4:20 हुए हुए थे, लेकिन जब ये यहाँ से ट्रैवल उन्होंने किया और इस बस ने यहाँ से ट्रैवल किया तो यहाँ पर उस वक्त तकरीबन 13:20 यानी 1:20 हो रहे थे, ठीक है। तो अब हमने इनके सेंटर का टाइम फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटर का टाइम है ये क्या है, अगर कार का पता लग जाएगा तो हमें बस की भी समझ आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर आप लेट कर ले स्पीड ऑफ बस, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ बस नहीं है जबकि स्पीड ऑफ कार मौजूद है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताई गई है, लेकिन हम बस को पहले कंसीडर करेंगे एज अ एक्स किलोमीटर के इस स्पीड से बस चल रही है, ठीक है, वो हमें नहीं पता क्या है उसकी स्पीड, उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया है। अब हम 13:20 यानी 1:20 और 16:20 के दरमियान का जो वक्फा है ये वाला और ये वाला, ये पता लगाएंगे कि ये कितने घंटे बनते हैं। तो यहाँ आप देखो बच्चों, ये 13 है, ठीक है, और ये 20 है, यहाँ भी 20 है, इस 20 को 20 से काट दो, ठीक है, 13 को और 16 को माइनस करो तो आपके पास 3 आ जाता है, यानी 16 में से 13 निकालो तो 3 बचता है। तो 3 आवर्स लगते हैं इनको अपने इस पॉइंट से जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजरी हैं, 3 घंटों में वो एक दूसरे के आमने सामने हुई हैं, ठीक है, 3 घंटे लगे हैं। तो इफ कार ट्रेवल्ड ऑफ स्पीड, अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार भाग रही थी, चल रही थी टूवर्ड्स बस, तो 3 घंटे उसे लगे उसको पास करने में, यानी उसके नजदीक ऐसे करके उसको क्रॉस देने में, ठीक है। अब आमने सामने तो नहीं है ना, ये अलग अलग रोड्स पर हैं, लेकिन जैसे अगर आप देखते हो आपके दो पैरेलल रोड्स चल रहे होते हैं, एक कल जाने वाला और एक आने वाला, तो समझ लो ये कार है, ठीक है, और ये बस है। अब जब ये यहां पर पहुंची ना इस पॉइंट पे, जब ये एक दूसरे को समझ लें कि बाय बाय करती हुई ये आगे निकल जाएगी, जूम करके ये इधर निकल जाएगी, तो हम वो बता रहे हैं कि यहां जब वो पहुंचे तो 16:20 हुए हुए थे, और कार को कितने मिनट लगे यहां आने में, 3 घंटे लगे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो हम और वो कार जो है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वो कितनी स्पीड से भाग रही थी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी, और उसको 3 घंटे लगे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, 4:20 के पॉइंट पर जहां उन्होंने दोनों को पास किया एक दूसरे को। तो हम 90 किलोमीटर को 3 आवर से मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहां आप KM भी लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आवर,
तो हमारे पास 270 किलोमीटर बनते हैं, यानी वो जो फासला उसने तय किया था 1:20 से लेके 4:20 के दरमियान, वो तकरीबन 275 किलोमीटर का फासला था। ठीक है, यहाँ आपके पास एक चीज़ जो है क्लियर हो गई, हमारे पास एक यूनिट आ गया। ठीक है, अब हम इसी यूनिट को इस्तेमाल करते हुए आगे लेके स्पीड ऑफ बस फाइंड आउट करेंगे। 270 किलोमीटर प्लस 3, ये वो 3 आवर्स हैं जो हमने यहाँ फाइंड आउट किए, और ये है एक्स हमारी बस की स्पीड। ठीक है, यहाँ हमारे पास टोटल किलोमीटर्स रखे हुए हैं, हम यहाँ पर 270 प्लस में है लिखा हुआ, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ प्लस होता है, जब यहाँ कोई चीज़ नहीं होती। लीनियर इक्वेशन सब बच्चों ने की हुई हैं, 270 को उठाकर यहाँ लाएंगे तो यहाँ ये प्लस हो रहा था, यहाँ जाकर माइनस होगा, 3 × x 3x बन जाएगा। 510 में से माइनस किए 270 तो हमारे पास आगे 240। अब इस 240 को ये 3 इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है। तो अब ये 3 जाएगा डिवाइड होने के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ये रूल है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस में रखा हुआ है तो यहाँ प्लस, लेकिन अब यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में रखा है तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। 3 × 1 = 3 and 3 × 80 = 240। तो हमने निकाल ली स्पीड ऑफ बस, जो कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से वो भाग रही थी। तो 90 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी गाड़ी भाग रही थी पर आवर के, और 80 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी बस भाग रही थी। ये था बच्चों हमारी प्रैक्टिस नाउ फॉर 8B। उम्मीद करती हूँ आपकी इसको अच्छे से समझ आ रही होगी, और इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस नाउ है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनको अपलोड करूँ। मैं बिल्कुल मैथ्स नहीं लेती क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और उसको अपलोड करना बहुत मेरे लिए मुश्किल का काम है। ठीक है, यानी GB के अंदर वो चली जाती है। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मुश्किल को आसान करूं, आपकी तमाम प्रैक्टिस नाउ जितनी भी हैं 8B की और 7 की वो मैं गाहे बगाहे अपलोड करती हूं, ताकि आप किसी भी की तैयारी हो सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।